हम थोड़ा सा अब लीनियर अलजेब्रा को हमने देखा पिछली वीडियोस के अंदर, हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अब रिव्यू करेंगे। ये सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी डिफरेंट कोर्सेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या होता है कि हम डाटा को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डाटा को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो डाटा को डिस्क्राइब करने का एक तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसा कि डाटा विजुअलाइजेशन में हमने देखा किस तरह से हम डाटा को एक पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ एक लिस्ट है जिसमें बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है कि किसी सोशल मीडिया की साइट के ऊपर कितने फ्रेंड्स जो हैं वो किसी यूज़र के हैं, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो यूज़र 0 है उसके 100 फ्रेंड्स हैं, यूज़र जो 1 है उसके 49 फ्रेंड्स हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये मेरे पास नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स की लिस्ट जो है वो आ गई, ठीक है। अब सिंपलेस्ट जो हमने देखा पहले भी कि हम काउंटर को यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इसमें हर नंबर जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम कलेक्शंस में से इंपोर्ट कर लेते हैं काउंटर, और हम साथ ही मैटप्लॉटलिब को भी उसमें पाई प्लॉट जो है उसको भी एलियस बना के इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड काउंट्स जो है उस टाइप का इस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और काउंटर से जो है उस काउंटर को पास करते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ताकि हमें पता चल जाए कि हर नंबर जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है। ये जो फ्रेंड काउंट्स हैं इसमें हम अब हम ये दो चीज़ें पहले देख लेते हैं प्लॉट बनाने से पहले। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। यानी कि इससे तो ये पता चला कि मैक्सिमम जो है ना वो 100 फ्रेंड्स हैं किसी के इस लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से हम ये देख लेते हैं कि काउंटर जो है वो हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वो हम कैसे देखेंगे, मैक्स फ्रेंड काउंट्स डॉट वैल्यूज़, ठीक है। इसमें देखेंगे हम तो ये है बेसिकली 25 22, मतलब ये हुआ कि 22 जो लोग हैं उनके सेम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो मैक्सिमम है। यानी कि इस पूरे डाटा के अंदर मैक्सिमम 22 लोग ऐसे हैं जिनके सेम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो हम इसको, हो सकता है उनके 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, हो सकता है उनके 2 फ्रेंड्स हो, यानी 22 लोग ऐसे हैं जिनके सेम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम अगर प्लॉट इसको करें तो एक्स एक्सिस को हम 100 या 101 तक ले जाएं, और जो वाई एक्सिस है उसको मैक्सिमम लेट्स से 25 तक ले जाते हैं, ठीक है, कि 25 जो है वाई एक्सिस पे जो स्पेस हो ताकि बार चार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो सके। तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं पहले। एक्स एक्सिस के अंदर हम लेट्स से, ये तो इजी है, हम कहते हैं जी 101 तक जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यूज आ जाए, 0 से 101 100 तक। इसी तरह से वाई एक्सिस के अंदर जो है वो फ्रेंड काउंट्स जो हैं वो हम दे देते हैं वाई एक्सिस के अंदर, फॉर एक्स इन एक्सेस, ठीक है। यानी एक्स एस के अंदर जो भी नंबर्स हैं उस हिसाब से जो फ्रेंड काउंट्स में वैल्यूज पड़ी हुई हैं जो कि मैक्सिमम 22 हैं वो सारी की सारी आ जाए, ठीक है, फ्रेंड काउंट्स, ठीक हो गया। अब हम इसको बार चार्ट की फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हम लेट्स से एक्सिस भी डिफाइन कर देते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो 0 से 101 तक होगा और वाई एक्सिस 0 से 25 तक होगा। और उसके बाद जी हम इसका टाइटल को दे देते हैं हिस्टोग्राम ऑफ फ्रेंड्स काउंट, और उसके बाद एक्स लेबल को ही दे देते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स। एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, और वाई एक्सिस पे जो है वाई लेबल जो है हमारा वो है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इस प्लॉट को हम शो करते हैं, तो ये आप को मैं दिखाता हूँ अभी कि
ये जो हमारा प्लॉट है ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वन नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो हैं वो कितने लोगों के हैं, टू नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने लोगों के हैं, 21 फ्रेंड्स कितने लोगों के हैं और 100 फ्रेंड्स कितने लोगों के हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हमें मिल गया कि किस तरह से हम अपने डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत शायद यूज़फुल नहीं है उस तरह से। इससे बेहतर तरीके भी हैं, उनको हम देखेंगे अभी। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये देखें कि अच्छा जी हमारे जो फ्रेंड्स की जो लिस्ट थी जिसमें नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स थे वो टोटल हैं कितने, ठीक है। तो वो हैं 204। हम ये देख सकते हैं कि मिनिमम जो था वो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू है। इसी तरह से हम मैक्स की वैल्यू देख सकते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारे पास आना शुरू हो गई। इन स्टैटिस्टिक्स के अलावा हम अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हमारे पास मीन मोड मीडियन इस तरह की डिफरेंट जो है टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिन्हें हम यूज़ करके डाटा देख सकते हैं कि डाटा जो है उसकी सेंट्रल टेंडेंसीज क्या हैं, डाटा के अंदर डिस्पर्शन कितनी है वो हम देख सकते हैं यूजिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी तरह से कोरिलेशन वगैरह जो है वो हम देख सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर फिर डिस्कस करते हैं।